वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 53 करवाने जा रहा हूँ। ये जो वर्कशीट नंबर 53 रहेगी ये आपके विज्ञान सब्जेक्ट की रहेगी और क्लास 9th के लिए वर्कशीट रहेगी और इंग्लिश मीडियम वाले डिस्क्रिप्शन में लिंक से सीधा इस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। आज की जो वर्कशीट है वो आपके चैप्टर नंबर 6 यानी कि विज्ञान का जो आपका छठा अध्याय उत्तक है उससे रिलेटेड रहने वाली है और आज हम उसमें से भी तंत्रिका उत्तक के बारे में जानने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक बालक है वो जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है कि किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे कर लेते हैं। जैसे अचानक कोई घटना घटी हमने उसमें रिस्पॉन्स दिखा दिया तो ये कह रहा है हम ऐसा कैसे कर पाते हैं। तो जिज्ञासा बता रही है, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखिए मोमबत्ती जल रही है, इसने अपनी उंगली यहाँ पे रखी तो जैसे ही गर्म हुआ या हल्का सा जला तो इसने अपना हाथ बराबर पीछे हटा लिया। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों कर लेते हैं हम। तो जिज्ञासा से समझा रही है कि ज्ञान, इसका लड़के का नाम ज्ञान है, हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है। जितने भी जीव जिंदा है चाहे वो जानवर हो, बिल्ली हो, चूहा हो, पक्षी हो, ये सारे के सारे जितने भी जीव हैं ये सभी के सभी जीव उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे हाथ कोई चीज गर्म लग रही है तो हाथ पीछे हटाएंगे हटाएंगे, इसके एजुकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं और शरीर में इन उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य उत्तक के द्वारा किया जाता है। ये सारी की सारी जो सूचनाएं हैं, ठीक है, किसके द्वारा पहुंचाई जाती है, उत्तक के द्वारा पहुंचाई जाती है जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि तंत्रिका उत्तक का कार्य क्या है तो आप ये सारा बता सकते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में पूछा भी गया है, बाकी मैंने आंसर भी लिख रखा है, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो पहले समझ लेते हैं, आगे हमें बोला गया है तंत्रिका उत्तक के बारे में बता रखा है कि तंत्रिका उत्तक क्या है। ये मस्तिष्क, मृगज्जू तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तक की बनी होती है। ये कह रहा है जो हमारा मस्तिष्क है ना, ठीक है, और ये जो मृगज्जू है और ये तंत्रिकाएं, ये सारी की सारी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती है। ये कह रहा है तंत्रिका उत्तक की इकाई या कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। ये कह रहा है अगर हम तंत्रिका उत्तक की इकाई की बात करें तो हम उसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका, क्योंकि आपको पता होगा कोशिकाओं से मिलकर ही उत्तक बनता है, जो इनकी संरचना समान होती है, जिनका कार्य समान होता है, तो कोशिकाओं के उन समूह को उत्तक कहते हैं। तो ये कह रहा है अगर हम उत्तक यानी कि तंत्रिका उत्तक की इकाई के बारे में बात करें तो उसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं और इंग्लिश में उसे न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है न्यूरॉन बनता कैसे है, ये जो न्यूरॉन है होता क्या है भाई। तो ये कह रहा है न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन। पहला होता है द्रुमिका, दूसरा होता है कोशिकाकाय, तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष, ठीक है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। आप ध्यान से देखिए ये हमें दे रखा है सारा को, देखो तीन मेन भाग है, उसके अंदर अलग भाग होते हैं। ठीक है, जैसे ये द्रुमिका ये बता रहा है, ये देखो द्रुमिका जो ब्रांचेस दिख रही है ना आपको सारी, ये द्रुमिका है। फिर हमें बता रहा है कोशिका काय, तो ये जो है ना ये सारा कोशिका काय है पूरा। ठीक है, इसके अंदर देखो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और तीसरा तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सन। ठीक है, तंत्रिकाक्ष ये पूरा ही देख रहे हो तंत्रिकाक्ष। ठीक है, अब ये कह रहे हैं न्यूरोन कोशिका के कोशिकाएं में, देखा लिखा ना कोशिका काय, ये लिखा कोशिका काय, कह रहा है इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। ये जो लिक्विड दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर एक लिक्विड सा होता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं, हमें कोशिका काय के अंदर पाए जाते हैं। ये कह रहा है प्रत्येक न्यूरोन में एक लंबा प्रवर्ध होता है, देखो लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एक्सॉन को मैंने हिंदी में आपको बता दिया था, ये को तंत्रिकाक्ष कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक्सॉन लिख दिया तो आप कंफ्यूज में होता ना, अरे आपने सर एक्सॉन तो बताया नहीं बेटा, ये तंत्रिकाक्ष लिखा है ना, तो इसको इंग्लिश में एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप समझ जाओ, कुछ आपको भी तो खुद करना है। तो बहुत सारी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं जिन्हें द्रुमिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, द्रुमिका। अब आप द्रुमिका इसमें से आप ढूंढ सकते हो, मैंने आपको बता दिया था द्रुमिका ये होती है सारी ब्रांचेज जो दिख रही है ना। आगे कह रहा है एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बच्चों ये 1 मीटर लंबी हो सकती है, बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर। ये कह रहा है बहुत सारे जो तंत्रिका के जो रेशे होते हैं ना सारे, ये किसके द्वारा जुड़कर मिल जाते हैं एक साथ, ये जो हमें दे रखा है संयोजी उत्तक, ठीक है, जोड़ने का काम करता है, तो इसके द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण कर देते हैं जिसे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करना कहते हैं। ठीक है, आओ हम जान लें कि न्यूरॉन के कार्य क्या है। तो देखो पहला तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदनाओं को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। ठीक है, ये कह रहा है तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली जो संवेदनाएं होती हैं, जो क्या जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रहे हैं उसे हम तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि संवेदनाएं जाएंगी, सूचनाएं जाएंगी, तभी तो आगे पता लगेगा ब्रेन को। तो ये कह रहा है किसी न्यूरोन की द्रुमिका और दूसरे न्यूरोन का अंतिम सिरा ही संपर्क में रहते हैं। ये कह रहा है एक न्यूरोन की द्रुमिका और फिर दूसरा जो न्यूरोन है उसकी अंतिम सिरा,
मतलब एक द्रुमिका है आपस में जुड़ जुड़ के दूसरे तंत्रिका कोशिका से जुड़ जुड़ के एक दूसरे को सारी सूचना पहुंचा रही है, संपर्क में रहती है, और तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। और स्पंदन क्या है, वही जो संवेदन जो सूचना वगैरह लेके जाएंगे, तो मतलब यहीं से ब्रेन तक पहुंचेगी और ब्रेन से हमारी बॉडी के शरीर तक पहुंचेगी। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में आप देख सकते हो, उस बच्चे को जो हाथ रखा था उसने तो एकदम पीछे कर लिया, तो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन गई, फिर ब्रेन बताएगा किस बॉडी के किस पार्ट को अलग होना है, दूर होना है। ठीक है, यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है और साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार तेज गति प्रदान करता है। देखो जैसी घटना घटती है ना, फटाफट हमारा हाथ पीछे की तरफ चला गया, तो ये बता रहा है कि ये न्यूरोन के द्वारा ऐसा संभव हुआ है। ठीक है, अब देखो ये चीज तो दोबारा रिपीट है, पिक्चर पूरी दिखानी थी। ये तंत्रिका तंत्र देखो किस तरीके से पूरी बॉडी में फैला हुआ है, रेशे रेशे सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के किसी भाग पर अगर मैं कोई भी चोट लगी तो हमारे ब्रेन को फटाफट पता लग जाएगा, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर मैंने आंसर कर रखे हैं, मैंने इनको अच्छे से समझा दिया, ये वो दोबारा से रिपीट है, तो ये पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसी में से पढ़ लेना, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आज के लिए इतना बहुत है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, तो एक बार आपको सारे आंसर दोबारा से दिखा दो, पहला दूसरा तीसरा फर्स्ट, चार ही आंसर थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, अपना पूरा ध्यान रखना, सेफ्टी रखना। ठीक है, क्योंकि महामारी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।